दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धल एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स अक्टूबर 2018 करेंगे, तो यह इसका पहला भाग है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत किस राज्य को सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है हरियाणा राज्य को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए हरियाणा राज्य को जो है वो सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये जो है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के पुरस्कार वितरण समारोह में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है वो केंद्र द्वारा हरियाणा राज्य को सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 में देश में सर्वोच्च स्थान के पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के 6 जिलों में हरियाणा के कितने जिलों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो 6 जिले थे टॉप में, उनमें से जो है वो हरियाणा के 3 जिलों ने जो है उसमें स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो है हरियाणा के रेवाड़ी को 2रा स्थान मिला है, गुरुग्राम को 5वां स्थान मिला है और करनाल को 7वां स्थान मिला है। तो ये जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 जो भी पिछले जो महीना था अगस्त और सितंबर के दौरान जो है ये आयोजित किया गया था ये सर्वेक्षण। तो इसमें जो है वो नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने हरियाणा के जो ये 3 जिले हैं इनको जिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आने के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इसमें जो है वो हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जो है वो हरियाणा में पहला स्थान मिला है रेवाड़ी को, और देश में 2रा स्थान मिला है। तो देश में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है महाराष्ट्र के सतारा जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट में दाखिल की जाने वाली याचिकाओं को दोनों ओर प्रिंटिंग की अनुमति देने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है। तो ये है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिकाओं को दोनों ओर प्रिंटिंग की अनुमति प्रदान कर दी है, और जबकि कई जो दूसरे जो राज्य हैं उनके हाई कोर्ट में इसको लेकर जो वो याचिकाएं विचाराधीन है। तो इससे जो है वो दोनों ओर प्रिंटिंग होगी तो पेड़ों की जो है वो बचत होगी, क्योंकि तो अगर दोनों ओर प्रिंटिंग होती है तो पेज कम लगेंगे, और अगर पेज कम लगते हैं तो पेड़ों की कटाई जो है वो कम होगी। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर हरियाणा प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी यमुनानगर, सी चरखी दादरी या डी सोनीपत। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम शुरू की गई है। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन है ए सिरसा, बी महेंद्रगढ़, सी भिवानी या डी जींद। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इसी तरह आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इससे जो है आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, इससे पिछली जो वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर जीके की वीडियो थी, हरियाणा एग्रीकल्चर जीके भाग 3, तो उसके अंदर मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था कि ढोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो ढोसी तीर्थ जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है करनाल जिले में स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह है एसएस देसवाल।
तो भारत सरकार ने हरियाणा कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएस देसवाल को सशस्त्र सीमा बल पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो एसएस देसवाल जो 21 अगस्त 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार कहाँ पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास अपना हरियाणा भवन बनाएगी? तो ये है गुजरात में। तो गुजरात में जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हरियाणा सरकार अपना एक भवन बना रही है। तो इससे जो है इस भवन के बनने से जो हरियाणा के पर्यटक वहाँ पर जाएंगे तो वो वहाँ पर रहने के और जो अन्य सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकेंगे। तो जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो अनावरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग 6 के लिए हरियाणा स्टीलर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह है दोस्तों योगेश्वर दत्त। तो पहलवान योगेश्वर दत्त जो है वो 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। तो इनको जो वो हरियाणा स्टीलर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी जो ये प्रो कबड्डी लीग 6 जो है ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग 2018 के लिए हरियाणा स्टीलर्स ने अपना कप्तान किसे बनाया है? तो सुरेंद्र नाडा को जो है वो हरियाणा स्टीलर्स ने अपना कप्तान बनाया है। तो सुरेंद्र नाडा जो है वो कप्तानी करेंगे। तो हरियाणा स्टीलर्स ने जो है वो मोनू गोयत को 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि मोनू गोयत जो है ये प्रो कबड्डी लीग 2018 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा के हांसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस एयरपोर्ट को एयरोड्रम के लिए लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है हिसार एयरपोर्ट को। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत सरकार ने हिसार एयरपोर्ट को जो वो एयरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया है। तो एयरोड्रम लाइसेंस जो ये जो उड़ाने चलती है उसके लिए जो है ये लाइसेंस दिया जाता है। तो भारत सरकार ने क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम उड़ान के तहत दिल्ली हिसार और हिसार चंडीगढ़ मार्गों पर संचालन के लिए जो है वो हिसार हवाई अड्डे का चयन किया है। तो यानी कि जो है उड़ान स्कीम के तहत जो है यहाँ पर उड़ाने चलेगी। तो हिसार एयरपोर्ट की घोषणा जो है वो 29 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और उसके जो है वो 4 साल बाद लगभग जो है वो इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। तो यहाँ से जो वो जल्द ही चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए फ्लाइटें जो वो शुरू हो जाएगी। सरकार की कोशिश है कि 1 नवंबर तक जो है यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट हो जाए। पहले 15 अगस्त का टारगेट था जो कि इसमें प्रकाबन होने कारण पूरा नहीं हो सका था। तो इसके अलावा जो है वो जम्मू देहरादून व जयपुर की जो है वो हवाई उड़ानों का भी प्रस्ताव जो सरकार बना रही है, यानी कि यहाँ से जो है जम्मू देहरादून और जयपुर के लिए भी हवाई उड़ानें शुरू की जाएगी। तो हरियाणा को जो है वो 48 वर्ष की कवायद के बाद लाइसेंस एयरपोर्ट मिला है। तो हिसार एयरपोर्ट जो वो हरियाणा का पहला लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बीएस संधु का कार्यकाल कितने महीने और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों बीएस संधु जो वो अभी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे तो इनका कार्यकाल अभी 3 महीने और बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ने हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बलजीत सिंह संधु का कार्यकाल जो वो 3 महीने का बढ़ा दिया है। तो अब बीएस संधु जो 31 दिसंबर 2018 को रिटायर होंगे। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश का सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ये है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय स्वच्छता रैंकिंग के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला है। तो और इस लिस्ट में जो है वो दूसरा स्थान मिला है पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को। तो ये हरियाणा के लिए जो है वो गौरव की बात है। नेक्स्ट है कि देश में 400 से अधिक सेवाएं एक जगह देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा जो है वो जिला मुख्यालय उपमंडल और तहसील स्तरीय केंद्रों सहित एकल मंच और सभी नागरिक केंद्रों पर
400 से अधिक सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। तो हरियाणा ने जो है अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अंत्योदय सरल केंद्र खोले हैं, तो जहां पर एक ही छत के नीचे जो है वो विभिन्न जो है सेवाएं हैं वो मिलेंगी। नेक्स्ट है कि लगातार दूसरी बार हरियाणा का नंबर वन आवासीय विद्यालय किसे चुना गया है, तो ये है कुरुक्षेत्र गुरुकुल को। तो कुरुक्षेत्र के प्राचीनतम गुरुकुल को जो है वो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम और छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के आधार पर नंबर वन चुना गया है। तो ये जो है वो दूसरी बार से चुना गया है, जो इससे पिछली बार था तभी जो है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ही चयन किया गया था। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है इसके संरक्षक जो है वो है आचार्य देवव्रत हैं। तो आचार्य देवव्रत जो है वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इसके अलावा जो है गुरुकुल को CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर जो है वो पूरे देश में चौथा स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस महानहस्ती के नाम पर सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू किया है, तो यह है दोस्तों कल्पना चावला। तो हरियाणा की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर जो हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला हरियाणा सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, कल्पना चावला का संबंध जो है वो करनाल से था, वो करनाल जिले के रहने वाली थी और इन्होंने जो है अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारत की पहली महिला यात्री थी। नेक्स्ट है कि छत्रपति अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है बलवंत तक्षक को। तो छत्रपति अवार्ड 2018 जो है ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की याद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, तो ये की है दोस्तों 105 रुपए की है। तो अब जो है वो गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, तो इससे पहले पिछले साल जो ये 1735 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके साथ ही जो है वो सरसों का भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कि अब 4200 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप योजना के तहत हरियाणा के किस छात्र को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है सुशील कुमार को। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र सुशील कुमार को केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के गढ़ी हरसरू से लेकर फरूख नगर के लिए स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है दोस्तों गुरुग्राम में। तो ये जो ट्रेन है इसमें 1947 के समय का आज़ाद नामक इंजन लगाया गया है और ये ट्रेन जो है वो भाप से चलने वाली है। तो अभी जो ये भाप से चलने वाली एकमात्र ट्रेन है और ये ट्रेन जो वो पर्यटक और स्वच्छता मुहिम को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खेली गई अंडर 23 राष्ट्रीय प्रथम कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना है, तो इसमें जो वो हरियाणा चैंपियन बना है। तो हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में 15 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस जिले के 6 साल के आरुष जैन ने द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो ये हैं आरुष जैन पंचकुला जिले के। तो पंचकुला के रहने वाले आरुष जैन ने अंग्रेजी के शब्दों को उल्टा पढ़ने में जो वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो KG क्लास के आरुष को यंगेस्ट टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स इन रिवर्स पैटर्न से नवाजा गया है और इसी में जो इन्होंने द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को हरियाणा के किस जिले की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, तो ये है अंबाला की सेंट्रल जेल। तो नाथुराम गोडसे को जब 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, तो नाथुराम गोडसे को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंबाला के सेंट्रल जेल के पेड़ के ऊपर जो है वो फांसी दी गई थी और उसके बाद उस पेड़ की टहनी को काट दिया गया था।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ।